आज के दिन हमारा गेम बंद रहने वाले। आज के दिन हम लोग हमारे गेम के अंदर मेंटेनेंस ब्रेक देखने को मिलने वाला है, जिसके अंदर हम लोग को ओबी 31 का अपडेट देखने को मिलने वाला है। तो हेलो मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के? कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और इससे आगे भी बढ़िया रहना। तो भाई सर, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले ओबी 31 अपडेट के बाद, हम लोग को हमारे गेम के अंदर अपडेट करने के बाद क्या कुछ कैसा कुछ सीन देखने को मिलने वाला है, क्या क्या फ्री में रिवॉर्ड्स देखने को मिलेगा, क्या कुछ अपडेट देखने को मिलने वाला है, सब कुछ लोग आज इस वीडियो में कवर करने वाले। आप लोगों को भी दिन नहीं पता है अपडेट के बाद हमारे गेम के अंदर क्या कुछ आने वाला है, तो भाई लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर से देख लेना। और गाइस, हमारा वीडियो तो मजेदार होता ही है, इसीलिए भाई लोग वीडियो को इसी बात पे लाइक कर दो। और भाई, चैनल पे पहली बार या फिर नए नए आ रहे हो तो प्लीज यार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम लोग 60K के बहुत ज्यादा करीब है, तो सब्सक्राइब जरूर से कर ही देना। तो चलो गाइस, फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यार, सबसे पहले अपडेट के बारे में बात करें तो भाई लोग, हमारे गेम के अंदर आने वाला है न्यू रैंक सीजन, मतलब न्यू सीएस रैंक सीजन, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा अपडेट को यहाँ पे जो है हाईलाइट किया गया है। यहाँ पे भाई लोग, आप लोग देख लो, हमारे गेम के अंदर जैसे भाई हीरो को होता था, ग्रैंड मास्टर होता था, उसी के बीच में भाई लोग यहाँ पे एक नया रैंक पॉइंट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे भाई लोग देख लो, मास्टर करके एक नया रैंक पॉइंट देखने को मिलने वाला है। जैसे भाई लोग, हम लोगों का हीरो को होता था, उसके बाद जाकर हम लोग का ग्रैंड मास्टर होता था, लेकिन भाई लोग अभी उसके बीच में आ चुका है मास्टर, मतलब हीरो को होगा, उसके बाद मास्टर होगा, उसके बाद जाकर आप लोग ग्रैंड मास्टर पहुंचने वाले हो। तो भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ने वाला है, तो आप लोग कमेंट में बताना आप लोग को ये अपडेट कैसा लगा सीएस रैंक सीजन का। उसी के साथ साथ भाई लोग, नया रैंक सीजन के बाद हम लोग को फ्री में तो एक गोल्ड का आइटम मिलता ही है, गोल्ड कलर का यूएमपी का स्किन अभी मिलने वाला है। जैसे भाई लोग यहाँ पे देख लो, ये वाला जो स्किन है ये आप लोग को एकदम फ्री में मिलने वाला है गोल्ड पे जाने पे। तो भाई आप लोग जरूर से बताना आप लोग को ये कैसा लगा। उसी के साथ साथ आप लोग को पता हो सीएस का रैंक सीजन आ रहा है, तो भाई उसके अंदर तो फ्री में अवतार और बैनर वगैरह भी मिलेगा आगे आगे पॉइंट लेने पे। तो भाई लोग यहाँ पे देख लो, ये सब जो फ्री में है अवतार और बैनर, तो भाई ये हम लोगों को मिलने वाला है। उसी के साथ साथ भाई लोग, इस अपडेट को यहाँ पे खत्म करते हैं, जितने भी सीएस रैंक सीजन का अपडेट था सब कुछ दे दिया। अभी गाइस यहाँ पे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। जैसे भाई लोग, ये वाला जो ओपी 31 का अपडेट है, ये विंटर और मन हिस्ट्री के ऊपर रहने वाला है, जिसके अंदर हम लोग को मन हिस्ट्री का भी इवेंट देखने को मिलने वाला है। मन हिस्ट्री 2.0 इवेंट यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, जिसका भाई लोग यहाँ पे कैलेंडर भी निकल कर आ चुका है। तो भाई लोग यहाँ पे कैलेंडर भी मैं आप लोगों को दिखा लेता हूँ। यहाँ पे भाई लोग, आप लोग देख लो भाई, 3 तारीख से ये स्टार्ट हो सकता है और भाई लोग ये खत्म होने वाला है 16 तारीख तक ये चलने वाला है, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे कुछ बंडल कार की स्किन और भाई लोग यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखने को मिलने वाला है। ये तो भाई एक पोस्टर लीक हुआ था, तो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। जब भाई लोग मैं कंफर्म हो जाऊंगा, आप लोगों को एक वीडियो बना के बता दूंगा क्या क्या चीजें मिलने वाली है। उसी के साथ साथ भाई लोग, आप लोग अपना गेम जैसे ही लॉग इन करोगे, आप लोग यहाँ पे डायमंड रोल वाउचर और वेपन रोल वाउचर फ्री में देखने को मिलने वाला है लॉग इन करने पे। उसी के साथ साथ भाई लोग, यहाँ पे जो हमारे गेम के अंदर जो कोई भी आइटम को पेन करा जाता है, उसको भी यहाँ पे अपडेट करने वाले पेनिंग सिस्टम को। यहाँ पे भाई लोग, आप लोग जैसे ही अपडेट के बाद पेन वगैरह करोगे, तो भाई एकदम वो पूरा हाईलाइट रहने वाला है, उसको एकदम पूरा अपडेट कर दिया गया। आप लोगों को जहीं पे भी, मतलब जहाँ पे भी हाईलाइट होगा, वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा बहुत अच्छे से। तो भाई लोग, एक अपडेट है, तो भाई ये तो मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। आप लोग कमेंट बताना आप लोग को अपडेट कैसा लगा। उसी के साथ साथ भाई लोग, यहाँ पे हमारे गेम के अंदर एक नया पेट देखने को मिलने वाला है, जिसका नाम रहने वाला है येटी। और इस पेट के अपडेट के बारे में बात करें तो भाई, इसका अपडेट ये है कि जो ग्रेनेड का डैमेज जो कम कर देगा, नॉर्मल सा ही अपडेट है। तो आप लोग बताना आप लोगों को पेट कैसा लगा। उसी के साथ साथ भाई लोग, यहाँ पे हम लोग हमारे गेम के अंदर एक नया करेक्टर देखने को मिलने वाला है, जिसके अपडेट के बारे में यहाँ पे बात करें तो भाई, यहाँ पे इसका जो भाई अपडेट रहने वाला है, रोबोपे की तरह अपडेट रहने वाला है। जैसे ही भाई लोग एनिमी आपका वॉल को डैमेज वगैरह करता है, तो भाई ये जल्दी जल्दी रिकवर कर लेगा। उसी के साथ साथ यदि आप लोग किसी भी एनिमी के वॉल को यदि आप लोग फायर करोगे, तो उसका वॉल जल्दी जल्दी फूट जाएगा। तो भाई इसका ये नॉर्मल से अपडेट रहने वाला है, एक पैसिव स्किल का कैरेक्टर रहने वाले। तो भाई इसका अपडेट में जल्दी जल्दी मैं समझा दिया, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। उसी के साथ साथ भाई लोग, यहाँ पे हम लोग एक नया वेपन देखने को मिलने वाला है हमारे गेम के अंदर, जिसका नाम रहने वाला है यहाँ पे मैकटेन। और भाई लोग, ये एकदम भाई SMG वेपन होने वाला है, जो भाई MP40 UMP MP5 जैसा चलता है, उसी तरह का चलने वाला है। बाकी भाई लोग, जब हमारे गेम के अंदर आ जाएगा तब यूज करके बता देंगे इसका रेट ऑफ फायर वगैरह कैसा है। और इस नए अपडेट के आने के बाद भाई, हम लोगों को गोल्ड रॉयल देखने को ना मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो भाई इस बार हम लोगों को मिलने वाला है फीमेल का गोल्ड रॉयल का बंडल। तो भाई लोग यहाँ पे देख लो, ये वाला जो बंडल है वो हम लोगों को देखने को मिलने वाला है गोल्ड रॉयल के अंदर। इतना ज्यादा अच्छा, मतलब अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी यार गोल्ड रॉयल का मिल रहा है, चलो देखते हैं। अगले बार अच्छा खासा मेल का बंडल देखने को मिलने वाला है, इस बार फीमेल का मैं एडजस्ट कर लो भाई लोग, ठीक है। उसी के साथ साथ भाई लोग, हर बार की तरह इस बार भी हमारे गन के अंदर कुछ एडजस्टमेंट किया गया है। जैसे भाई स्कार को यहाँ पे थोड़ा अच्छा कर दिया गया है, गन को
को यहाँ पे थोड़ा डाउन कर दिया गया है और भाई कार 98 के को भाई यहाँ पे थोड़ा ऑफ कर दिया गया। तो भाई इस बार तो भाई कार 98 के और भी भाई कार 98 जो चला जाता भाई और अच्छे से चलाने वाले है। यहाँ पे भाई लोग देख लो CR7 के साथ भी यहाँ पे छेड़छाड़ किया गया है। जैसे भाई लोग उसका जो भाई सेल होता था वो 600 डैमेज में टूट जाता था, लेकिन भाई लोग OB31 अपडेट के बाद वो 800 डैमेज के बाद टूटने वाला है। उसी के साथ साथ यहाँ पे जो मूवमेंट स्पीड था भाई जो 5% का था वो भाई यहाँ पे 0% कर दिया गया है, मतलब यहाँ पे कोई भी मूवमेंट स्पीड नहीं होने वाला। उसी के साथ साथ यहाँ पे जो टाइम था भाई उसको भी यहाँ पे कम कर दिया गया है, 180 सेकंड कर दिया गया है। यहाँ पे थोड़ा बहुत अच्छा हुआ लेकिन भाई यहाँ पे जो मूवमेंट स्पीड है उसको कम कर दिया गया है। तो भाई मतलब लिटरली बुरा लग रहा है, आप लोग कमेंट में बता देना आप लोगों को ये अपडेट सुन के कैसा लगा। और कैसे अभी यहाँ पे एक लीक निकल कर आ रहा है कि हम लोग हमारे गेम के अंदर यहाँ पे हेलीकॉप्टर देखने को मिलने वाला है, जो कि बहुत साल से भाई मतलब 2 साल पहले से लीक निकल कर आ रहा है। तो फाइनली भाई लोग यहाँ पे हम लोग हेलीकॉप्टर वगैरह देखने को मिल सकता है इस अपडेट के अंदर, लेकिन इसको आप लोग चला नहीं सकते, यहाँ पे आप लोग सिर्फ देख सकते हो लेकिन चला नहीं सकते। बाद में हो सकता है चलाने को भी आ जाए, मतलब गाड़ी ना कुछ भी करते यार। आप लोग कमेंट बताना आप लोग के देख के कैसा लगा। और इसके अंदर बहुत सारे ऐसा अपडेट है जो कि छोटे मोटे अपडेट देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन भाई उसको भी कवर करने लगे तो भाई वीडियो भाई 1 घंटे का भी बन सकता है। इसलिए भाई मेन अपडेट को यहाँ पे कवर कर दिया हूँ। आई होप कि आप लोग आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो जरूर से लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार या फिर नहीं आ रहे हो मेरा बहुत बार सुन रहे हो तो भाई चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और भाई बेल आइकन को जरूर चालू प्रेस कर देना, क्योंकि हम लोग 60K के बहुत ज़्यादा करीब है। तो चलो गाइस मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।